हेलो एवरीवन, होप सो सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपको स्टार्ट करेंगे 2019 का CGTET का मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर। तो हमने 2020 का मैं सॉल्व करवा चुका हूँ और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2019 का। तो अच्छा ये होगा कि आप 2020 का सवाल कर लीजिएगा और आइए हम बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है जिसका एरिया, तो हमने आपको ये कहा था कि एप्टीट्यूड जैसे ही सॉल्व करना हो तुरंत आप लिख लीजिए। तो एरिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया, एरिया हो गया। अब ये बोलता है कि इनके भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो अब आपको ये सोचना है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 है। तो अब अगर आप लोग जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी वो क्या करेंगे, वो उनका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलता है, तो वो क्या लगाएंगे कि एरिया का फार्मूला वो लंबा वाला एस एस माइनस ए एस माइनस बी लगा करके पूरा परेशान हो कि उनकी हालत खराब हो जाएगी, उससे सॉल्व नहीं होगा। तो आइए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। मान लीजिए आपकी गणित एकदम कमजोर है तो ये छोड़ दीजिए, इसका ये मतलब होता है कि अगर एक भुजा का स्क्वायर और दूसरे भुजा का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आइए करके देख लेते हैं। तो 3 तरीका हो गया, 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइंड आपको समझा रहे हैं, तो 16 और 19 हो गया 25। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, सी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि इससे क्या फायदा होगा। इससे भैया फायदा ये होगा कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसके एरिया का फार्मूला बहुत आसान होता है, क्या होता है, 1/2 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, अब ये क्या है, रेशियो में था, तो इसको एक्स एक्स लिख लीजिए, 3x, ये हो जाएगा 5x, तो इसका एरिया हो जाएगा 4x इंटू 3x, तो ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर। तो हाफ से हाफ ये कट गया 2, यानी 6x स्क्वायर इक्वल टू एरिया। और एरिया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 216। जैसे ही 216 दिखे तो आपको आपका दिमाग कुछ जो है घूम जाना चाहिए, इसका दिमाग ये घूम जाना चाहिए कि 6 से अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 36, एक्स हो जाएगा 6, एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो अब पूछ रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो 3 प्लस 4, 4 3 7 5 12x, यानी 12x होगा पेरीमीटर। तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए तो 12 6 72, यानी 72 आंसर आ गया। ये तो हम आपको बहुत समझा रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना इसको आप जो है उड़ा देंगे। कभी भी CGTET में क्वेश्चन आएगा तो ट्रिपलेट ही बनेगा, इसलिए आप सोचिए मत, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या है कि डिटेल में हमको सॉल्व करना होता है। और यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने ऐसा सॉल्व किया है कि वो केवल टिक मारते चले जा रहे हैं। तो मेरा पर्पज ये है, ऐसा जिन लोगों का मैथ एकदम कमजोर है, मैंने शुरू से कहा है ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन जो सोचते हो कि 1 + 1 = 3 होता है, उनके लिए है ये। बाकी होशियार के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे हैं, वो तो अनगिनत हैं।
तो मैं इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालता हूँ, केवल जो लोग कमजोर हैं और जिनके पास रुपया नहीं है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो मैथ से बिलोंग ही नहीं करती हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेट होती हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगी, तो उनके लिए ये वीडियो मोटिवेशन है। जिन जिनको लगता है कि मैं गणित नहीं कर पाऊंगी, वो चैलेंज है, इस वीडियो को देख लें, फिर 18 की शाम को इसमें कमेंट में लिखेंगी कि सर आप एकदम बकवास हैं, आप बंद कर दीजिए। ठीक है, हम जो है अगला आते हैं। अगला है आपका पेडागॉजी का क्वेश्चन। जैसे ही पेडागॉजी का क्वेश्चन आए, दिमाग में आना चाहिए ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड आर हकला सर का सीडीपी, नहीं सीडीपी नहीं, पेडागॉजी सॉल्व करने का तरीका। आइए देखते हैं क्या है। अब इसमें कहते हैं विच आर द फॉलोइंग इज अनकनेक्टेड, मतलब असंगत है। जैसे असंगत क्या होता है, जैसे हिंदुओं में, हिंदुओं के अंदर जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, तो जातियां अगर डाल दी गई तो चलिए जातियां हैं, बट अगर हिंदू और मुस्लिम लिख दिया गया तो ये क्या हो गया, असंगति हो गई, क्या धर्म चेंज हो जा रहा है। मैं इसको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, बात सही है, इसमें ऑपरेशन यूज हो रहा है, क्या एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एक ऑपरेशन है वो यूज हो रहा है, पावर एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन मीन्स प्रोसेस, जो हिंदी के हैं वो बिल्कुल मत डरें, योग एक जो है प्रक्रिया है, गुणन एक प्रक्रिया है, घात कुछ नहीं होता है, गुणन का ही रूप है, बस बस संख्या सेम हो जाए, जैसे 3 × 3 को सीबीएसई बोर्ड वाले 3² लिख देते हैं, मतलब जिनका थोड़ा सा होशियार बनते हैं उनके लिए, तो ये पूरा ऑपरेशन हो गया। अब हम क्या ही बताएं, ऑप्शन ही उड़ चुका है, डी हो गया। आ गया समझ में, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड या हकला सर का मेथड, पूरा ऐसे ही सब चीज मैं आपको बताऊंगा, जनरल स्टडीज का भी मैं वीडियो क्या है डाल नहीं पा रहा हूं। अगला आप चलते हैं, मैं पर्यावरण मैं पूरा टीटी ही उड़ा दूंगा, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड से आपको सिखाऊंगा। चलिए आइए अगला आते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, वो क्या होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल की जो संकल्पना है, मूर्त हिंदी में इसमें क्या होता है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट का मतलब ये होता है जैसे दिखे, हाथी दिखे, और एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि आपको मतलब ऐसा समझाऊं कि ये पंखा में करंट होता है, वो होता है, अब आप करंट को देख ही नहीं सकते हैं, तो वो हो गया अमूर्त। ठीक है, अब देखिए लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब आप ऐसे के लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब इसमें क्या है कि इसकी संकल्पना क्या हो सकती है, हम आपको एक बात और बता दें, आप लोग हंसेंगे, सीजीटीईटी के किसी भी पेपर में, हमने इतनी एनालिसिस की हुई है, किसी भी पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में अगर बोथ ए एंड बी आ जाए तो आप पहले टिक कर दीजिए, उसके बाद सोचिए क्या है। अब हम इसको समझा देते हैं, कुछ लोग इसमें से सोचेंगे कि सर जो है ऑप्शन देख लिए हैं इसलिए जो है ऑप्शन, ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा लॉजिक दूंगा। जैसे कभी भी आपको पेडागॉजी सॉल्व करनी है तो आप एक छोटे बच्चे बन के सोचिए, आप जैसे 6वीं 6 साल की आपकी एज है, 7 की है, आजकल 8 में ही लोग त्रिभुज उर्भुज पढ़ाने लगे हैं, हमारा भतीजा है, मैं देखता हूँ, तो अब आप बताइए, जब तक उसको ये नहीं बताएंगे कि ये लाइन है, ये वो है, तो क्या है कि वो कुछ चीजों को तो ऐसी चीजें हैं कि जिसको वो नहीं ही देखेगा। ठीक है, जैसे किसी भी लाइन को अगर हम जो है दो पैरेलल लाइन है तो अनंत पे मिलेंगी, तो इसका ये मतलब है कि वो अनंत तो देख नहीं सकता है, वो ये सोचेगा कि भैया लाइन ऐसी थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो तब भी त्रिभुज बनेगा, तो इसमें तो अमूर्त चीजें भी हैं और ये जब ट्रायंगल बन जाएगा तो ये एक शेप के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। आइए हम अगला अगले पे आते हैं, अगला है विच कंसेप्ट आर मोर अब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या है अमूर्त है, अब आप बताइए, अब आप एकदम सॉल्व कर देंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हमेशा दिखता है, ज्यामिति में सर्कल है त्रिभुज दिखता है, अलजेब्रा
इसमें अलजेबरा जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसमें एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा रहता है, तो वो जो है एक्चुअली जो है बच्चों के स्टेज पे वो इस ऑप्शन में हम मतलब ये नहीं ही दिखता है, जैसे एक्स प्लस एक्स इक्वल टू टू एक्स ये ऑपरेशन के फॉर्म में आता, तो अलजेबरा जो बच्चों की चॉइस की रहती है वो नहीं ही दिखती है, न्यूमरी वो दिखती है। अब आप बोलेंगे नहीं सर नहीं दिखती, जब बच्चों को सिखाया जाता है कि ये एक है तो उनको गोली में सिखाया जाता है ये एक है बच्चों, ये कितना हुआ, जब दो गोली ली तो ये दो हुआ तो ये हो गया, ऑल आर इक्वल नो, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो अब आप जो है इसको बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड, बहुत पेडागोजी में समय देने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि कहाँ पे हम ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कोई एक, अब ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, मतलब सीजीएल नहीं तो सीएचएल लेवल का है, अब आप समझिए इनकी होशियारी देखिए, लेकिन आप हंसते हंसते उड़ा देंगे। क्वेश्चन बोलते हैं कि एक दीवार जो है बनानी है उसका एक फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक, ईटा की संख्या निकालनी है, अगर हमको 24 मीटर लंबी 28 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए, तो मतलब आप ऐसे दीवार को थाप लीजिए ऐसे, और ये समझिए कि इसकी जो चौड़ाई है वो ऐसा है। ठीक है, आप बात को आप समझिए, अब जो है आप इसके ऊपर ईंट रख रहे हैं ऐसे ऐसे एक छोटा सा ईंट लिए, ठीक है मान के चलिए, ठीक है तो ईंट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो तो सेम रहेगी, अब मोटाई में क्या कह रहे हैं कि जो मसाला है जो सीमेंट और बालू लगा के जो मसाला रहता है वो यदि दीवार के अगर कितना ईंट लगेगी या दीवार का इतना, इफ 10% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विद मोर्टार, मतलब जो ईंट की थिकनेस है ना ये वाली, जैसे ये क्या हो गई, ये लंबाई हो गई ये चौड़ाई हो गई, तो ईंट का ये जो थिकनेस वाला एरिया है तो ये क्या है, ये है 8 सेंटीमीटर, तो जब हम गारा लगा देंगे तो ये इतनी थिकनेस का ईंट बच जाएगा, तो मतलब अंतर किस में आएगा, थिकनेस में ही आएगा, बस यही बस सोचना है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। अब 8 का 10% क्या होता है, तो 8 × 10% आए तो इसको 100 से भाग कर दीजिए, तो ये हो गया, हम उनके लिए बता रहे हैं जिनके लिए बहुत कठिन है, तो ये हो गया 0.8। अब टोटल कितना हुआ, तो 8 तो पहले थिकनेस थी और गारा खा गया 0.8, तो अब इसकी इफेक्टिव जो थिकनेस होगी वो 8.8 हो जाएगी। अब आपको ये जो है ये आपको निकालना है, बस कुछ नहीं, इसका क्या होगा वॉल्यूम, तो 24 × 8 × 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 24 × 12 × अब यही अंतर आएगा 8.8, बस इतने अंतर है, 24 से 24 काटिए, 12 × 5 = 60 काटिए, ये पॉइंट को 0 ले जाइए, 8 ग्रहियम, ये देखिए यहाँ पे मीटर है तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 यहाँ भी आ जाएगा और इसका 100 यहाँ भी आ जाएगा, बस 12 × 5 = 60 हो गया, और ये पॉइंट हटाए तो 0 हुआ, और ये 8 जब कटा तो ये 8 हो गया 11 से कटा, अब आप अगर भाग देंगे तो 11 × 44, ये लगभग इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये इतना ही ईंट लगेगी, मतलब 4500 ईंट लगेगी, तो 95 का आंसर आ रहा है ए, एकदम सही। आइए अगला हम लोग आते हैं, इसी में हम आपको समझाते चलेंगे, अब इसी में क्या आएगा पता है, इतने को है पिघला करके इतने का कितना क्यूब बनाया जाए, बस बड़े वाले को ऊपर रखो लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, नीचे वाले को लंबाई गुड़े चौड़ाई रखो, सीधा भाग दे दो, बस ज्यादा सोचो मत, वॉल्यूम ये वो समझाने लगेंगे ना तो फिर उसका भैया हमारा क्लास आएगा सीरीज, उसको आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, 96 द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, हिंदी में पढ़ देते हैं, इंग्लिश वाले तो पढ़ ही लेंगे, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई
उसकी लंबाई का 60%। वाह वाह, यदि उस क्षेत्र का परिमाप, मतलब कभी भी पेडागोजी, मतलब पेडागोजी नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, द ब्रेथ ऑफ, मतलब ब्रेथ ऐसे लिख लीजिए, लंबाई लिख लीजिए, लंबाई का, जहां का आ जाए तो गुणा लगा दीजिए, 60% है, 60 बटा, देखिए परसेंट है तो परसेंट को नंबर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, नंबर को परसेंटेज में बदलना तो 100 से गुणा कर दीजिए, ये सब समझाए थे। ठीक है, अब देखिए, तो इस ये 0 0 से कट गया, तो अब आ गया आपका, अब आपका B/L = आ गया 6/10। ठीक है, अब ये बोलता है यदि उस क्षेत्र का परिमाप जो है 800 है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप का ये मतलब होता है भाइयों एवं बहनों, मित्रों समझिए, ये ए है, आयताकार है, मतलब आयताकार का क्या मतलब होता है, जो ये ए है, अगर ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम होगा। अब परिमाप का मतलब ये होता है, आप यहाँ से चलना चालू करिए तो चलते चलते यहाँ पे फिर आइए, जितनी लंबाई आप चलेंगे वही परिमाप हुआ। अब हम फार्मूला समझाएंगे तो आप फिर वहां भूल जाएंगे, तो यहाँ से चले तो ए चले, चलो भैया एकदम सही सर, फिर यहाँ चले तो बी हो गया, क्यों चले, हमको इसी पॉइंट पे फिर आना है, फिर चले ए हो गया, फिर चले बी हो गया, तो क्या हो गया, यही परिमाप हो गया। ये बोलता है ये 800 मीटर है, मतलब 2A + 2B = 800, मतलब A+B = 400, आ गया समझ में, बस अब आप निकाल लेंगे, A+B = 400 आ गया। अब आप देखिए, इसको अगर भाग कर दीजिए, मतलब सिंपल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 3 6, 2 5 10, मतलब ऐसे ही। अब इसका मतलब कल मैं समझाया था आपको चुपचाप, जैसे बी और एल आता है, आप समझ जाइए कि बी मतलब है, आप इसको एक्स के भी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन आप मोटा मोटा समझिए, ऐसा दिख गया तो बी का मतलब हो गया 3, एल का मतलब हो गया 5, तो 3+5 = 8 हो गया 400, मतलब 8 यूनिट बराबर है 400 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 8 × 5 = 40, तो 50 यूनिट के बराबर है। अब बोलता है इसका इसका क्या है, इसका जो है एरिया पूछ रहा है, तो एरिया क्या होगा, एरिया है ये क्या है, ब्रेथ है 3, लंबाई है 5, तो एरिया होगा 3 × 15, मतलब 5, तो 15 यूनिट, तो 15 × 15 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 50 के बराबर, तो 15 × 50, मैं ऐसा बता रहा हूँ ना, जिनका गणित एकदम कमजोर है उनको इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं यार मीटर उटर में हमने कुछ 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 तो नहीं किया हमने, 800, 5 × 8, 8 8, नहीं, यार 8 8 50, हाँ 8 5, हाँ 5 2 3 6, 2 5 6 10, 5 3 8, देखिए 100/8, 1 मिनट, 2 × 4 = 8, 200, 4 × 5 = 50 आएगा, और 50, सॉरी 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 सॉरी, ये एरिया हो जा रहा है, इसलिए इसमें एक्स हमको मान के ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। हम आपको एक एक मिनट समझा देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो A+B = हो गया 400। अब ऐसा आता है तो आप, चूंकि एरिया है तो अभी आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसका मतलब हो गया B = 3x और L = 5x। तो ये अगर A+B = 400 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 8 8x बराबर, हाँ
ए प्लस 8x = 400, तो एक्स बराबर हो जाएगा 50 हो गया। अब एरिया, तो एरिया होता है ए इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x, तो 15x² यानी 15 × 50 × 50। अब इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आएगा 37, ये आपका आएगा 37,500। बस यही आपको करना था, ठीक है, एकदम सिंपल है। 97 क्वेश्चन, अब आप देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको समझना है कि ये है क्या। तो अब आप देखिए इसमें जो है ये 1 2 3, ये 3 बार लिखा है सेम संख्या, ये संख्या क्या है 1 2 3, सेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये कोई संख्या है, वो 3 बार गुणा है तो उसको बोलते हैं ए क्यूब, ये 3 बार गुणा है तो बी क्यूब। अब ये होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, a - b a² + b² + c² ये होता है इसका फार्मूला। अब आप देखिए ऐसा क्या है क्या, हाँ मिल रहा है, ये एक संख्या का स्क्वायर यानी a², ये दूसरी संख्या का स्क्वायर b², और ये दोनों का गुणनफल, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ऐसा लिखा हुआ है, ये अगर इसको नीचे ले आएंगे तो a³ - b³ / a² + b² + c² = a - b, तो a कितना है 658 और b कितना है 328। अब आप बोलेंगे अरे सर ये हम कैसे समझ पाएंगे, तो मेरे भाई मेरे बंधो मेरे जिगर के छल्लों, जब ये आप करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 330 इसका आंसर होगा, यही ये फिर रिपीट करेगा, इसका इतनी औकात नहीं है, एग्जाम में आप इसकी खोपड़ी में आप छेद करके आ जाएंगे, ये सीधा सीधा जो है इसी को बस संख्या बदल देगा। तो जिसको कुछ ना समझ में आए ना इस टाइप का देखे, तो जो बड़ा है उसका छोटे से घटा दे, आ गया। अब देखिए भैया समय कम है तो थोड़ा मेरे को ट्रिक टाइप का आपको बताना पड़ेगा कि कम से कम जिनका मैथ एकदम कमजोर है वो समझ जाए। अब देखिए ये भी आ गया आपका, क्या आ गया, ये आपका आ गया पेडागोजी, तो अब हम इसको उड़ाते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड, ठीक है आइए, या हकला सर का पेडागोजी मेथड, आइए देखते हैं। व्हाट विल बी द मोर इफेक्टिव वे टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है शेषफल, मतलब जैसे कि 14 को 4 से भाग कर ब्यात का आए आए 4 तिहाई 12, 12 गए लेकिन पूरा पूरा ना कटा, तो कितना रिमाइंडर बच गया, मतलब अब समझा देते हैं, 4 तिहाई 12 मतलब रिमाइंडर बचा 2, तो इसी को कैसे बच्चों को समझाया जाए। तो पहले बात हम बात और आपको बताते हैं, आप लोग खैर हंसेंगे, फिर हम आपको पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम इसका और अच्छा एक तरीका बताते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके उनके समूह बनाकर प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलना तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है, एकदम बात सही है, समान आकार के कुछ घन लीजिए उनका समूह आप बनाइए। तो जैसे आपने लिया कि एक लिया, ठीक है, घन आपने ले लिया, जैसे आपने मान लीजिए 3 घन मतलब 6 घन ले लिया, तब आपको समझ में आएगा। अब बच्चे को ये बताना कि बेटा ये 3 है, बट अगर हम इसको एक से मतलब दिखाएं, ये देखो ये समूह में नहीं है, समूह मतलब ये इसके साथ मिल लिया, ये मान लीजिए ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसका गर्लफ्रेंड है, तो ये एक समूह तो बन गया, एक नहीं बना, अच्छा ऐसा सर, तो ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है, ये कितना रिमाइंडर हो, अगर 3 है और दो दो का जोड़ा बना रहे हैं तो एक रिमाइंडर हो गया। बच्चा बोलेगा अच्छा सर, अब हम 4 ले लेते हैं और इसका जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो जोड़े नहीं बना, हाँ बेटा, तो क्या होगा रिमाइंडर 0। बोलेगा अरे सर आप जो है
अब हमको बताइए तीन तीन का बनाते हैं, तो तीन तीन में ना ग्रुप बनता है, उसमें अगर लड़कियों की, अब खैर चलिए बोली देते हैं, अगर ग्रुप में लड़कियों की संख्या ज्यादा है और लड़कों की संख्या कम है, तो जान लीजिए किसी एक लड़के का मूर्ख काटा जा रहा है, यानी चूतिया काटा जा रहा है। तो ऐसे ग्रुप से थोड़ा दूर रहिए, बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का। मान लीजिए तीन तीन का ग्रुप बनाते हैं, तो तीन का ग्रुप बनाए तो एक बेचारा बच गया, ये हो गया रिमाइंडर। तो अच्छा सर, तो हाँ बेटा यही होता है, तीन को भाग दिए चार से तो तीन। अब उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं समझाना है, तो यही ही आंसर होगा, ये आप टिक कर दीजिए। बाकी लकड़ी के टुकड़ों को खंडित करना ये नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा इतना समझदार नहीं है कि बराबर बराबर तोड़े। स्वाभाविक संख्याओं को मतलब बाई एक्चुअल नंबर, डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर, बाई ये सिमिलर नेचुरल नंबर, ये नहीं होगा। छोटा सा बच्चा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ से बेचारा समझ पाएगा। तो ये होगा ही नहीं, उपरोक्त सभी होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, ये हो गया ऑप्शन ए। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि कोई भी अगर छोटे लेवल के एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हो तो वही ऑप्शन है। हाँ क्या समझ में, बोलेंगे अरे सर आप ऐसा बता रहे। हाँ भैया ऐसे ही है, उम्र निकल गई है एग्जाम देते देते। ठीक है, आइए 99वां क्वेश्चन। ये बोलता है 99वें क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि जो है आपका, एक मिनट नहीं, इसको मैं रुक करके थोड़ा लेता हूँ, इसका एक मैं शॉर्टकट कुछ देखा था। और आपको ये मैं समझाता हूँ, एक मिनट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा रुक करके, ये आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है, मैं एनालिटिकल तरीका से सॉल्व नहीं करना चाहता, वरना आप लोगों को थोड़ा सा होगा। आइए हम लोग हैंडल कर लेते हैं इसको, मैं डिस्कस आपसे करूंगा। 100वां क्वेश्चन है, 300 किसी संख्या को, कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या एन है, 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जो शेष मतलब ये कोई नंबर है, उसको जो है भाग देंगे तो उसको बोलते हैं भाजक। तो मान लीजिए भाजक को हम लिख देते हैं क्यू से, और ये हो गया शेषफल। शेषफल क्या है, वो बोलता है 47 है। अब बोलता है कि यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, वो सब पे सेटिस्फाई होगा। तो अगर हम Q इक्वल टू एक मान लें, मतलब एक ही बार हम भाग किए, तो क्या होगा कि n इक्वल टू हो जाएगा 342 × 1 + 47। ये आएगा आपका 7, 2, 9, 4, 4, 8 और 3। अगर अब आप इसको 18 से भाग दे देंगे 389, तो ये क्या होगा, 18 × 2 = 36, और ये आ गया 2 और 9, 18 18 1 18। ठीक है, तो ये तो आया 11। देखिए भैया कोई भी रिलेशन है, तो इसको आप चाहे Q इक्वल टू एक मान लीजिए, चाहे Q इक्वल टू दो मान लीजिए, तो एक मानने पे ही आपका सवाल हो जाएगा, ये आ गया 11। अब देखिए ये ना इक्वेशन बन के भी सॉल्व होता है, बट आप क्या है फिर वहां आपको देखिए सलूशन सभी ही बताएंगे, बट ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि आपको 2-3 सेकेंड में नहीं, मतलब एक आध मिनट में आप लगा लें। और जो थोड़ा वीक है, ये वीडियो पूरा उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4/5 है, मतलब क्रय मूल हिंदी में लिख लेते हैं, क्रय बटा विक्रय, विक्रय इसका जो रेशियो है वो 4/5, इसका मतलब है क्रय मूल 4 है, विक्रय मूल 5 है। ठीक है, मतलब कौनो सामान 4 रुपया में ले है और 5 रुपया में बेच दे है। अब ये सी बात है, फायदे फायदा हुए।
बस प्रॉफिट में ये चीज आप लोग समझिए कि जो नीचे में रहता है ना वो कॉस्ट प्राइस ही रहता है, मतलब क्रय मूल्य ही रहता है, क्रय मूल्य ही रहता है। ठीक है, बस यही आप लोग दिन रात इसको याद रखें, बस क्रय मूल्य से ही भाग होगा। अब जो या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, तो नुकसान होगा तो ज्यादा में से कम होगा, मतलब अगर नुकसान होगा तो कम में बेचना पड़ेगा, खरीदी ज्यादा है, फायदा है तो जो है क्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो 5 माइनस 4 100% के लिए तो 1 बटा क्रय मूल्य कितना है, 5/4 है, बटा 100 तो कितना हो गया, ये देखिए 4 है, ये हो गया 25% हो गया। बस ये बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, 101 का ए हो गया। इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का भी हम एक तरीका निकाल रहे हैं, तो ये दो क्वेश्चन से ही हम कल शुरुआत करेंगे। आइए 103वां क्वेश्चन, विच कंसेप्ट इज, ये आ गया भैया क्या ऑप्शन, एलिमिनेशन मेथड। पहले हम इसमें देखेंगे लगेगा कि नहीं, उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगता है तो उससे लगाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर ये फैक्चुअल होगा, उसको हम आपको समझाएंगे। विच कंसेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एट क्लास लेवल, कक्षा एक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है। तो अब आप तुरंत छोटे बच्चे बन जाइए, तुरंत बन जाइए। अब आइए हम यहां से शुरू करते हैं। ऑल ऑफ द एबो, हमने आपको कल भी बताया था कि सिंबल मतलब आप ये समझिए थीटा पाई फाई बीटा अल्फा गामा, तो यही सबसे कठिन होगा। बस अब आप समझ जाइए, जैसे ही सिंबल मतलब मैथमेटिकल सिंबल, ये नहीं है ना, तो बच्चा सबसे कठिनाई से यही समझेगा। काउंटिंग आसान होती है, एडिशन आसान होती है, तो ये तो होगा, तो ऑप्शन ए हो गया। अब इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन एकदम सिंपल था, देखिए जो 2020 का पेपर था उसमें भी इसी टाइप का ही कुछ आया था पेडागोजी, और इसी स्टाइल में आया। तो जैसे ही डिफिकल्ट आए वर्ड सिंबल, तो आपको डिकोड क्या करना है, हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं पेडागोजी नहीं, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हाँ पेडागोजी हो या सीडीपी हो, इंग्लिश में पढ़िए। डिफिकल्ट आया मैथ में तो वहां यूज करेगा सिंबल, बस जिस ऑप्शन में आपको सिंबल मिल जाए टिक कर दीजिए, ना विश्वास हो 2020 का उठा लीजिए, मैं ऐसे ही डिकोड करूंगा आपको। जैसे क्वेश्चन में देखिए डिकोड, ऑप्शन में ऐसे देखिए सिंबल कहाँ है, टिक करिए आगे पढ़िए, हो गया, जय राम जी की, पढ़ने नहीं है। ठीक है, कर लीजिएगा। जिन लोगों को लगता होगा कि सर ऑप्शन देख के भिड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो मैं दिल्ली वाली मैडम जैसा नहीं, आपको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, लीजिए भैया क्या सही नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो नॉट को ऐसे बड़ा 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 घेर दीजिए, वरना सब चीज तभी आपको समझ में आए क्या गलत है, मतलब सही नहीं है, ठीक है, या क्या गलत है। देखिए ये इसी चीज को लिख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, लेकिन नहीं लिखे नॉट करेक्ट। वाह, तो समझिए बात को, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट शुड बी गिवेन एट प्राइमरी लेवल, बोलता है अमूर्त संकल्पना क्या प्राइमरी लेवल पे दी गई है, तो नहीं, ये बात जो है गलत है। क्यों गलत है, एनसीएफ 2009, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब से कहा गया प्ले स्कूल लाया गया, बच्चों को कहा गया कि पढ़ाई वहां से शुरू करो जो उनको दिखे, इसीलिए बॉल वाल दी गई, तो अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट ये नहीं होगा, मतलब उनको आप ऐसा चीज जो दिखे, तो प्राइमरी लेवल पे ऐसी ही चीजें दिखानी है जो दिखे, उनको करेंट वरेंट के बारे में नहीं पढ़ाना है जो दिखे ना। ठीक है, जनरलाइज कंसेप्ट शुड बी डिस्कस्ड इन एट प्राइमरी लेवल, क्या बोल रहा है कि सामान्यीकृत ऐसी संकल्पना जो जनरलाइज है, जनरलाइज मतलब
मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे रिजल्ट जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये ऐसा रिजल्ट है कि हर रेक्टेंगुलर ट्रायंगल पे लगेगा। अब आप ही बताइए बच्चा इसको समझ पाएगा प्राइमरी लेवल पे? प्राइमरी लेवल मतलब ये मत सोचिएगा कि पांचवी का बच्चा, ये भी हम बता दें पहली का बच्चा आप सोचिए, या प्ले स्कूल का। जितना अगर आपको पेडागोजी लगानी है तो आप 4 साल के बच्चे बन जाइए, सोचिए कि ये हम समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, बस काट दो ऑप्शन खत्म। ऑक्सीमर शुड बी लर्न एट लो, स्वयं सिद्धि ये भी नहीं हो सकता भैया, हम एकदम छोटवा बच्चा है तो क्या होगा, आलाभदायी वो हो गया ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड या हकला सर मेथड। बहुत सही तरीका सर, हाँ भैया सब जमा ही लोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत कठिनाई है। विच कंसेप्ट इज नॉट बेसिक इन 67, बताइए विच कंसेप्ट इज नॉट बेसिक इन 67, कौन सी 67 में आधारभूत नहीं है? अच्छा भैया मतलब कौन सा बेसिक कंसेप्ट नहीं है? इट इज सिंबल फॉर नंबर 67। देखिए भैया बचवा को जब थोड़ा सा ये संख्या उंख्या बता के ना उसको रटवा तो दिया ही जाता है, तो ये लगभग तो वो जानने लगता है। बाकी छोटा बच्चा प्लेस वैल्यू 6 है, 6 इज 60, प्लेस वैल्यू 7, ये तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो दोनों कट जाएगा, ये बड़े लेवल की बात है। तो बेसिक लेवल की बात क्या है कि वो पहले जाने की शर्त है, तो ये हो गया ऑप्शन ए हो गया। क्या बढ़िया ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड है, काहे को इतना पेडागोजी पढ़ना। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और एक स्पेशल संदेश है उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मैथ बहुत कठिन है, स्पेशली ये वीडियो उन माताओं बहनों भाभी सबके लिए है जिन्होंने, जिनको लगता है किसी कारणवश उनका गणित कमजोर रहा है, मैथ कमजोर रहा है, ये उनके लिए है। होशियार के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, और मेरा टारगेट है कि 30 में से 20 आप लोग कर लें। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 30 में 28 आप कर लीजिए, बट आपका जो कॉन्फिडेंस अभी 0 है कि मैं 2 कर पाऊं, 4 कर पाऊं, 5 कर पाऊं, उनके लिए, उन्हीं के लिए स्पेशली है। हमारी तपस्या तब सफल होगी जब आप लोग 18 तारीख को आ करके इसमें कमेंट करेंगे कि सर मैंने आपके वीडियो से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और जो एकदम से गणित में वीक हैं उनके लिए है। तो अब मैं कहूँगा जो आपके स्तर के जो माताएं बहनें हों ग्रुप में, आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए तो उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ओके जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।